मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये वो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जो बहुमत से कोसों दूर हैं, वो देश में भ्रम फैलाकर ही वोट हासिल कर पाए हैं। टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए लोग कह रहे हैं कि मिली जुली सरकार है, जो व्यक्ति पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए वो पास होने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। हमें इनकी शुभकामनाओं की आवश्यकता नहीं है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस बार बड़े और कड़े निर्णय होंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जो बहुमत से कोसों दूर है, जिन्हें 3 का अंक भी नहीं छुपाया, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो प्रारंभ से ही आज विपक्ष के जितने भी लोग हैं देश में भ्रम फैला के ही वोट पा पाए, वो जितने भी पा पाए थोड़े बहुत, टुकड़ों टुकड़ों में बटे लोग कह रहे हैं कि मिलीजुली सरकार। मैंने आप अंदाज तो करिए कि कितना लंबा गैप है। उसके बाद ये कह रहे हैं जो व्यक्ति पासिंग मार्क भी नहीं ला पाए वो पास होने वालों पर उंगली उठा रहे हैं। इन लोगों की शुभकामनाओं की आवश्यकता भी मेरे को तो ऐसा प्रतीत नहीं होती जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से देश के लिए आज अच्छा क्षण है। वैश्विक नेता है माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी खुद ही कह चुके हैं कि इस बार बड़े निर्णय और कड़े निर्णय होंगे, और बड़े और कड़े निर्णय होंगे तो निश्चित देश आगे जाएगा।